सूर्यदेव सर, सूर्यदेव सर, अरविंद भैया, वो राकेश भैया, गिरीश भैया, सैलू भैया, सैलू भैया, नीरज नाग जी, हमारे मित्र, हमारे संदीप, नीरज भैया, अब भैया कभी चलने दो, हो गया, हमारे जोरदार तालियों के साथ हमारे आए हुए अतिथिगण जो अपना अमूल समय लेके हमारे लिखा रहता है वो हरा पीला नीला वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटों को सीधे कूड़े में फेंक दो उसी हमारे बड़े भाई गिरीश शर्मा जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सूर्यदेव सिंह जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सैलू सुख को स्वागत किया जाए। मैं पूरी टीम से आग्रह करूंगा कृपया करके जल्दी से उनका, आप सभी आए भैया, हमारी टीम का आग्रह, मेरा आग्रह नहीं है, फोटो खींचे। जोरदार तालियों के साथ हमारे सारे अतिथिगण है, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। वो मेरे को फोन लगाया, बोला अंकल आप पापा के साथ रहते हो तो इनको है ना दादा है? अब रात के 11 बजे किसी मर्द में पैसे उड़ा सारे कवियों को इकट्ठा बिठा के कराया करेंगे। आइए, इस क्रम में थोड़ी सी क्रम अव्यवस्थित हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ धरती से चल के आया इस समय भोपाल में आपके यहाँ जॉब कर रहा है। बहुत अच्छा, घुसने लगा तो आगे सरदार जी खड़ा है, अपन ने भी ढंग का पाठ किए, अपन ले जाकर सिपाही को बताएंगे जब तू कदर नहीं करती मेरे पे नोट वारा सर है ना, ये होना चाहिए जिंदगी, ये ऐसा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। अब बस करो ना, दोबारा भी लुटाएंगे ना। अब मेरे पास भैया वो भी आ जाना भाई उठाने वाले नहीं, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ एक पेन और एक डायरी है तो कम है, पर इससे बड़ा अनमोल तोहफा मैं और नहीं दे सकता एक कभी। भारत की लास्ट दस्तक हमको सबको ही पसंद है, इसके अलावा Yeah.
जितने भी राम वाले हैं और जो काम वाले वो नहीं। चलिए हमारे बीच में आ चुके हैं शिव पार्वती जी, आ चुके हैं भैया मोबाइल वाले भैया, आप पहले आया करो, आप पहले आओ हाजरी, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। सदस्य लगा दो भैया, तो भंगिया पीनी छोड़ देंगे आज मैं।
मंच के द्वारा विशाल जागरण का आयोजन यहाँ किया गया और इसमें इंद्रपुरी के सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निश्चित रूप से क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र में बहुत ही अच्छा और धर्म का माहौल अभी है इस समय। और सभी गणेश उत्सव के समय सभी युवा साथी मिलकर ऐसे धार्मिक आयोजन करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में झांकियां बैठ रही हैं और लगातार धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। कार्यक्रम था, बहुत उत्साह वाला कार्यक्रम था और इंद्रपुरी के निवासी इंद्रपुरी एकता मंच गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में लगातार 9 वर्षों से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो खुद में एक ऐतिहासिक क्षण है। और सतत मेरी शुभकामना है कि ऐसा ही हमेशा आयोजन होता रहे। आयोजन समिति के जो हमारे जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम होता है, ऐसे सत्येंद्र भैया, राहुल भैया, ये सब जो इंद्रपुरी के कर्ता धर्ता हैं और इंद्रपुरी में ऐसे धार्मिक आयोजनों को करके सनातन धर्म को जो बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ युवा निवासरत हैं और युवाओं के बीच में जो धार्मिक अलख जगा रहे हैं, वो सबसे बड़ा हर्ष का विषय है।